Good morning, students. Jai Shri Swaminarayan. Today we learn Hindi subject. आज से मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी. हिंदी सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट जो कविता है हिंद देश के निवासी, जो प्रेमिला मैम ने आपको समझा दिया था, इससे आगे का है वो आपको मैं कराऊंगी. तो फिर से ये याद कर लेते हैं. हिंद देश के निवासी सभी क्षण एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. क्या कह रहे हैं कि हिंद देश के हम जो निवासी है, जो लोग है हिंद देश के, वो सब एक ही है. जन यानी लोग, वो एक ही है. लेकिन चाहे रंग रूप वेश भाषा, सबकी भाषा अलग है, रंग रूप अलग है, लेकिन लोग साथ ही है, एक ही है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है. ये बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली, ये सब क्या है? ये फूल के नेम है और ये सब माला में, एक ही माला में पिरोए जाते हैं. कोयल की कुक प्यारी, पपीहे की तेल न्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. कि कोयल की कुक है वो भी हमें प्यारी है, गा रही तराना बुलबुल, जो बुलबुल गा रही वो भी हमें प्यारी है, लेकिन सबका राग क्या है? एक ही है. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में सब एक है. क्या कह रहे थे? जो ये नदियां है, गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्र कृष्णा, ये सब अलग अलग नदी है, लेकिन वो सागर में सब एक साथ मिल ही जाते हैं. मतलब कि हिंद देश के जो भी लोग है, निवासी जो भी निवास कर रहे हैं हिंद देश में, वो सब एक ही है. और इसके आगे क्या आएगा? शब्दार्थ. तो शब्दार्थ में पहला क्या है? हिंद. हिंद यानी हिंदुस्तान, भारत हमारा देश. जन यानी लोग, गुथे यानी पिरोए, ते यानी गाने में ऊंचा स्वर, राग यानी विशेषता. गाना गाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, अच्छे राग से गाओ वो. गुथे यानी पिरोए, मतलब की माला में फूल को पिरोना. उसके बाद में निवासी, मतलब किसी एक क्षेत्र में रहने वाला, रहने वाला कोई भी एक क्षेत्र. वेश यानी पोशाक, हमारा पोशाक यानी कपड़े कैसे है. कुक यानी कोयल की बोली, कोयल जो बोलती है वो हमें अच्छा लगता है ना, कुक यानी बोली. तनाना यानी एक तरह का गाना. इसके बाद है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. उसमें पहला है क, रंग रूप वेश भाषा चाहे खाली जगह है तो अनेक. उसके बाद ख है, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में, खाली जगह है तो एक है. कोयल की खाली जगह प्यारी तो कुक प्यारे, पपीहे की खाली जगह न्यारी टेक न्यारी, गा रही खाली जगह बुलबुल, खाली जगह मगर एक है. गा रही तराना, और दूसरी खाली जगह में क्या आएगा? राग. उसके बाद है गंगा खाली जगह ब्रह्मपुत्र कृष्णा खाली जगह, गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी. जाकर मिल गई खाली जगह, खाली जगह में तो सागर में हुई खाली जगह एक है, सब एक है. सब नदियां रंग रूप भाषा अलग अलग है, लेकिन मिलते एक ही है, सब एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं. तो ये जो कविता की पंक्तियां है वो आपको CW पार्ट में लिखनी होगी.